हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, मेरा हेयर स्टाइल आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताइएगा। और अगर ये हेयर स्टाइल सीखना है तो मेरे वीडियो के साथ बने रहिए। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना हेयर स्टाइल। तो सबसे पहले कॉम से बालों को सीधा कर लेंगे और इसके बाद बीच की मांग निकालते हुए दो पार्टीशन में बालों को बांट देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है। और इस तरह से बिल्कुल बीच की मांग निकालते हुए और बीच में से भी बालों को हाफ पार्टीशन कर लेना है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बीच का पार्ट कर लिया है अलग, और इस तरह से बालों को सुलझाकर सही करना है। अब यहाँ से हम थोड़े से बाल लेंगे और बैक कॉम करेंगे। थोड़े थोड़े बालों की लेयर लेंगे और बैक कॉम करेंगे। इससे हम हल्का सा पफ बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बैक कॉम हो रहा है। और दोनों साइड के भी बाल लेके बैक कॉम कर लेंगे। अब बचे नीचे के बाल। तो फ्रेंड्स, ये बैक कॉम कर लिया है, अब इसको ऊपर से कर लेंगे प्लेन और इसको हल्का उठाते हुए देखिए हल्का सा पफ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे लगा देंगे पिन, जो पतली पिन आती है ना, बॉबी पिन, उसको लगा देंगे। देखिए हल्का सा पफ बन के तैयार हो गया है। और इसमें मैंने कोई भी जो है अंदर चीज़ नहीं लगाई है, सिर्फ ये मेरे बालों से ही पफ बना है और बहुत लाइट पफ बनाया है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो इस तरह से साइड के बाल मोड़ते हुए पफ बना लेंगे। दूसरी साइड से भी इसी तरह बालों को फोल्ड करते हुए पिन लगा देंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स, बस बहुत ध्यान से देखना है कि क्या क्या किया है, और बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लोगे। अब पूरे बालों को इकट्ठा कर लेंगे नीचे से और उसमें लगा देंगे एक रबर बैंड, पतला रबर बैंड लगा देंगे। अब इसमें लगा देंगे जो जूड़ा ये मार्केट में मिलता है, इससे थोड़ा सा जूड़ा हमारा मोटा बनता है, और इसको पिन की सहायता से इसमें अटैच कर देंगे जिससे ये बिल्कुल भी हिले नहीं। आप नीचे के बालों को लेके फ्रेंड्स पूरे जूड़े को थोड़े थोड़े बालों को लेके कवर कर लेंगे जिससे ये छुप जाएगा। तो देखिए किस तरह से पूरे बाल फैला दिए हैं नीचे से उठा के, और ये देखिए पूरा। अब इसमें लगा देंगे रबर बैंड इस तरह से, तो एकदम प्लेन जूड़ा बनके तैयार हो जाएगा। और बाकी के जो बाल हैं इसको हम फोल्ड करते हुए उसी जूड़े में अटैच कर देंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, तो मैं नई नई हेयर स्टाइल लेकर आऊँगी और बहुत इजी स्टाइल भी लाऊँगी। तो इस तरह से पूरा लपेट देंगे बालों को जूड़े के साथ ही। दूसरे साइड के भी बाल ले लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे जूड़े में लपेट के जूड़ा पिन से इसको अटैच कर देंगे, इसे बाल निकलेगा नहीं। कटे बालों में भी बन सकता है, मेरे कटे ही हुए बाल हैं और मेरे ही बालों में ये जूड़ा बन रहा है। और इसको जूड़ा पिन से बहुत अच्छे से टाइट कर देंगे जिससे ये जूड़ा खुले नहीं। और फ्रेंड्स, ये तो हो गया बैक का स्टाइल। अब आते हैं फ्रंट के स्टाइल पर। तो फ्रंट के इतने बाल हम लोगों ने छोड़ दिए थे, अब इसको आगे से थोड़े से बाल लेते हुए
तो फ्रेंड्स इधर से आगे से ऐसे बाल उठा के थोड़े थोड़े और चोटी गूंथते रहेंगे और आगे से बाल लेते रहेंगे। ये देखिए, पहले चोटी गूंथी और फिर आगे से एक लेयर लिया, उसी में मिला दिया, फिर एक बार चोटी गूंथी, फिर लेयर लिया और मिला दिया। इस तरह से बहुत सिंपल सा और सुंदर सा डिज़ाइन बनके तैयार हो गया और पूरा ख़त्म हो गया है। अब इसको पूरा सिंपल गूंथ लेंगे चोटी को, और पूरी गूंथने के बाद ये चोटी को घुमाते हुए थोड़ा सा ढीला कर देंगे इसको, और घुमाते हुए जूड़े में लपेट देंगे और यहाँ लगा देंगे जूड़ा पिन, जिससे ये रुक जाएगी। सेम प्रोसेस दूसरी साइड भी करना है, आगे से बाल लेना है और इस तरह से थोड़े थोड़े बाल लेते हुए चोटी के साथ मिलाना है और आगे से ये फ्रेंच टाइप की चोटी बन जाएगी और बहुत सुंदर लगती है। पीछे आप कोई भी स्टाइल बनाइए, आगे से आप इस तरह का लुक दे सकते हैं। और गर्मी का मौसम है तो बाल खुले वैसे भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो इस तरह से आपका हेयर स्टाइल भी हो जाएगा और गर्मी भी नहीं लगेगी। तो गर्मी में के मौसम में ये बहुत अच्छा स्टाइल है, हेयर स्टाइल। फ्रेंड्स प्लीज़ आप आसपास के शोर पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं ये छत पर बैठकर एडिटिंग कर रही हूँ और आप जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से चोटी बन गई है और अब इसको भी हम थोड़ा सा ढीला करते हुए लपेट देंगे जूड़े में दूसरी साइड से। ये देख सकते हैं आप कितना सुंदर लग रहा है, लग रहा है ना सुंदर फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम इसमें भी जूड़ा पिन लगा देंगे और जूड़ा पिन आप अपने हिसाब से लगा दीजिएगा ताकि जूड़ा सेट रहे और खुले नहीं। तो कैसा लगा मेरा जूड़ा फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और भी इजी हेयर स्टाइल भी मैं लेकर आऊँगी, तो इससे पहले आप मेरी वीडियो को इतना शेयर करिए कि जो है ये वीडियो बहुत दूर तक जाए। तो फ्रेंड्स बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा जूड़ा। अब आप इसमें कोई भी हेयर एसेसरीज़ लगा सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ड्रेस की मैचिंग का या कुछ भी एसेसरीज़, जिससे आपका जूड़ा और फैंसी लगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा लुक जूड़े का, आगे से और पीछे से मैंने लगाया है यहाँ पे रोज़। तो कैसा लग रहा मेरा जूड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा फ्रेंड्स। तो मैं फिर मिलूँगी नई नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको बाय बाय।